सुकु आ गया राघवन भाई। मैं लेकर आता हूँ, जल्दी ला। चल राघवन भाई के लिए चाय और चपाती दे। वो भूखा रह सकता है, शोषण करवाने के लिए मैं नहीं दे सकता। तूने अभी तक नहीं किया क्या? चला जा। जा बे, दूंगा एक खींच। पागल है क्या? इसके क्या मुंह लग रहा है, जाने दे। जब देखो तब उसका चमचा बना रहता है। ये ले। चल चल, चला। राघवन भाई को चल चपाती दे। राघवन भाई, ये राजकुमारी। गोला खवाले, तू जा। अरे आजा, इधर आ। छोड़ो मुझे। चपाती नहीं खाई क्या? उठ जा। क्या हुआ? तो यहाँ क्या करने आया? ये मुझे एलेक्स से छोड़ दे। सर, राघवन भूखा है, उसे छोड़ दो। राघवन अपने हाथ में रहे। अगर नहीं रहूंगा तो तेरे घर से किसी को लेके आ, समझा? तुझे तो मैं राघवन, तुम अपने सेल में जाओ, सर नहीं है। अरे एलेक्स, उसको मेरे बारे में बता दे। अरे मैं बता दूंगा, तुम जाओ ना अपने सेल में। जा। जा। बड़ा आया मुझे रोकने वाला। सर वो थोड़ा सा सनकी है, बेकार में पंगा नहीं लेते। सर आप चाहिए। आ जा रहे। क्या हुआ? क्या हुआ? बेचारा लड़का एलेक्स, इसका केस क्या है? जिस लड़की से प्यार किया उसके साथ भागने का केस। इस लड़के की प्रेमिका के पिता उसके असली पिता नहीं, उसकी दूसरी बीवी उसकी माँ है। उसकी नजर उस लड़की पर थी, एक दिन उसने उसका पीछा किया, उसके बाद से वो दोनों बहुत करीब हो गए। लड़की अपने घर से भागी और उस आदमी ने पुलिस वाले को रिश्वत देकर अटेम्प्ट टू मोलेस्टेशन का केस बना दिया। जाओ जाके पौधों को पानी दो। वैसे तो बहुत सी कहानियां हैं बात करने की, यहाँ हर इंसान की अलग कहानी। उम्मीद है कि तुम ठीक हो। हाँ, घोड़े की तरह एकदम मस्त। वही तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। लो, नाम के लिए बेटा है, हकीकत में किसी काम का नहीं है। भाई ये तो हमेशा का है, बेटा कभी फोन उठाता नहीं है, बेमतलब दूसरे का टाइम वेस्ट कर रहे हो। चलो साइड हट जाओ। फोन लग नहीं रहा है क्या एलेक्स? जाने दो, आज नहीं लगाते, किसी और दिन। हाँ, यही ठीक रहे, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। जाओ ये लो, अगला आओ। ये लो। हाँ, हेलो बेटे। पापा? तुम ठीक हो बेटे? माँ हमेशा मुझसे लड़ती रहती है। तुम उसकी बातों का बुरा मत मानो, मैं जल्दी घर आ जाऊंगा। नहीं बेटी, मैं आ जाऊंगा। पर मैं मिलना चाहती हूँ पापा। अच्छा वो सब छोड़ो, आज दीपावली है, तुम मंदिर गई थी? ए, चल बस अभी, चल रख, टाइम खत्म। बस साहब एक मिनट, साहब एक मिनट में रख दूंगा मैं। बेटा मैं जल्दी आ जाऊंगा, देखो अब फोन रखने का समय हो गया है। दे पकड़। हाँ। अगला कौन है? आओ। मेरी बेटी आओ। डरी हुई लग रही थी, पता नहीं क्या हुआ होगा। अरे वो अपनी माँ के साथ, भला क्यों डरेगी वो?
देख आना पड़ेगा। हाँ सर, मैं एलेक्स से मिलने आया हूँ। हाँ एलेक्स, एलेक्स इंटरव्यू हॉल में बुलाया है। ठीक है, जो भी सुनेगा ये सोचेगा कि गवर्नमेंट का कोई बड़ा अधिकारी है इसीलिए इंटरव्यू दे रहा है। इस बेचारे के बदन को चीरकर उसमें गड्ढा बनाने की तैयारी हो रही है। आजा, तू इधर आ जा। दूट यहां से और दफा हो जा। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। Come on.